और आइए अब आपको बताते हैं कि आज विधानसभा चुनाव में क्या खास रहेगा। यूपी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की दो जनसभाएं हैं, पहले बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी और फिर हरिद्वार में भी प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दो जगह प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और बात अगर करें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तो वो भी आज 4 रैलियां करने जा रहे हैं। हालांकि पहले फेज का जो चुनाव प्रचार अभियान है वो खत्म हो चुका है और ये दूसरे फेज की तैयारी है। मुख्यमंत्री अखिलेश 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, वो भी 2 जनसभाएं करने आज जा रही हैं। पहली जनसभा मुरादाबाद में और दूसरी होगी लखीमपुर खीरी में। तो ये 2 रैलियां बीएसपी सुप्रीमो मायावती की और इसके अलावा अमित शाह की भी ताबड़तोड़ आज 5 जनसभाएं हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की है लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की प्रतापगढ़ में जनसभा रखी गई है और कल होने हैं पहले फेज के चुनाव, यानी कि कल 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। जो पोलिंग बूथ है वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं, अंतिम दौर में है ये तमाम तैयारियां और कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम अपडेट्स यूपी उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं।